गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली और एजुकेटर। और लास्ट टाइम हमने क्वेरीज पढ़ी थी कुछ, और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना जो लास्ट ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, लैन मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, इन्हें डिस्कस कर लिया था। इनके एग्ज़ाम्पल्स भी हमने देख लिए थे। इसके बाद हमें नेटवर्क डिवाइसेस पढ़नी है। टू कम्युनिकेट डेटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया एंड टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क विद द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, वी रिक्वायर डिफरेंट डिवाइसेस लाइक मॉडम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ईटीसी। लेट अस एक्सप्लोर दिस देम इन डिटेल। हमने कुछ डिवाइसेस दिखाई भी थी स्कूल में और कुछ का लिखवा भी दिया था, जिसमें सबसे पहले है मॉडम। मॉडम लिखवाई थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडम से क्या होता है कि यहाँ पे आप एग्जांपल इसका पिक्चर के ज़रिए देख लीजिए, ये मॉड्यूलेशन हो रहा है और ये डीमॉड्यूलेशन हो रहा है, मतलब नेटवर्क इसमें जा रहे हैं डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू वो कनेक्ट है आपस में। दूसरा है ईथरनेट कार्ड। ये ईथरनेट कार्ड या ईथरनेट केबल जिसमें लगती है लैन वाली वायर जो लगती है वो इसमें लगती है, यहाँ पर जो ये स्लॉट दिया हुआ है छोटा सा। इसके बाद है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, उन्हीं नेटवर्क्स को फिर से रिपीट कर देता है ताकि और आगे तक वो डिस्टेंस कवर कर ले। उसके बाद आता है ये हब। एन ईथरनेट हब इज़ ए नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स। तो ईथरनेट हब के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में ही हमने एक मॉडम जोड़ दी, इसी में ही हमने एक रिपीटर जोड़ दिया, इसी में हमने कंप्यूटर और लैपटॉप जोड़ दिए, और वो सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आता है स्विच। स्विच का भी मैंने यूज़ बताया था। स्विच इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्ले ए सेंट्रल रोल इन ए लोकल एरिया नेटवर्क लाइक ए हब। ए नेटवर्क स्विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज। वैन डेटा अराइव द स्विच एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट एंड लुक इट अप इन अ टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट। दस इट सेंड सिग्नल्स टू ओनली सेलेक्टेड डिवाइसेज इंस्टीड ऑफ सेंडिंग टू ऑल। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम। ए स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल विच आर नॉइसी और करप्टेड। इट ड्रॉप सच ए सिग्नल एंड आस्क द सेंडर टू रिसेंड इट। स्विच के थ्रू क्या होता है कि जब हमारे पास स्लॉट्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्विच यूज़ कर लेते हैं जिससे हम एक इनपुट देते हैं जिसमें एक वायर के थ्रू, एक लाइन के थ्रू उसमें डेटा आ रहा होता है, नेटवर्क आ रहे होते हैं, और बाकी पोर्ट्स के थ्रू उससे नेटवर्क आउट हो रहे होते हैं, उस पर आउटपुट मिल रहा होता है। ईथरनेट स्विच आर कॉमन इन होम्स एंड ऑफिसेज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज दस क्रिएटिंग लैंस और टू एक्सेस द इंटरनेट। उसके बाद आता है राउटर। ए राउटर इज़ ए नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालिसिस इट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क। ए राउटर कनेक्ट ए लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट कंपेयर टू ए हब और ए स्विच। सेम वही काम जो स्विच का है वैसा काम भी हम यूज़ में ले सकते हैं राउटर को, और राउटर से हम वायरलेस सिग्नल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा एक राउटर कि जिसमें अगर हम एक इनपुट के लिए उसमें पीछे लगा दें तो ए राउटर कैन बी ए वायर्ड और वायरलेस। ए वायरलेस राउटर कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस। यूजुअली सच राउटर्स आल्सो कंटेन सम पोर्ट्स टू प्रोवाइड वायर्ड इंटरनेट एक्सेस। दीज डेज होम वाईफाई राउटर्स परफॉर्म द डुअल टास्क ऑफ ए राउटर एंड ए मॉडम और स्विच। मतलब वो राउटर जो अब आ रहे हैं वो स्विच का वर्क भी करते हैं, मॉडम का वर्क भी करते हैं, और वायरलेस नेटवर्क्स यानी वाईफाई के नेटवर्क्स भी जनरेट करते हैं फ्रॉम ISP। दीज राउटर्स कनेक्ट टू इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइन फ्रॉम ISP। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल या BSNL, एंड कन्वर्ट दैम टू डिजिटल डेटा फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू प्रोसेस। इसके बाद आता है गेटवे। गेटवे कोई डिवाइस, एज द टर्म गेटवे सजेस्ट इट इज ए की एक्सेस पॉइंट दैट एक्ट एज ए गेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। गेटवे सर्विस एज द
एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गेटवे इन ऑर्डर टू यूज routing path. Beside routing data packets, gateway also maintain information about the host network's internal connection path and the identified path of other remote networks. If a node from one network wants to communicate with a node of a foreign network, it will pass the data packet to the gateway, which then routes it to the destination using the best possible route. For simple internet connectivity at homes, the gateway is usually the internet service provider that provide access to entire internet. Generally, a router is configured to work as a gateway device in computer network. A gateway can be implemented as software, hardware, or combination of both. This is because a network gateway is placed at the edge of a network and the firewall is usually इंटीग्रेटेड विद इट. अब ये गेटवे है, इस राउटर को अगर हमने गेटवे बना रखा है तो सारा नेटवर्क जो कनेक्ट होगा या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से नेटवर्क जाकर जा रहा होगा और आ रहा होगा वो इसके थ्रू जा रहा होगा. अब यहाँ पर हमारे पास इस गेटवे में नेटवर्क आ गया. इस गेटवे का कुछ एड्रेस भी होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे. जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि होम एड्रेस क्या होता है और सब मास्क क्या होता है, वैसे ही गेटवे भी हमें एंटर करवाना पड़ता है नेटवर्किंग में. अब यहाँ से यहाँ नेटवर्क आ गए और यहाँ नेटवर्क आ गई, सर्वर है, सर्वर से स्विच में आ गए और फिर इन स्विच से और पीसीज में नेटवर्क हमारे यहाँ पर आ गए और जितने भी पीसीज को हमें कनेक्ट करना है उन स्विचेस से हमने कर लिया. तो ये कुछ नेटवर्क डिवाइसेस थी. इसके बाद हमने नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज पढ़ी थी, जिसमें एक ही हमने पढ़ी है जो कि थी बस टोपोलॉजी. क्या होता है टोपोलॉजीज क्या होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ए नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज आर कनेक्टेड टुगेदर टू फ्रॉम ए लोकल एरिया नेटवर्क केबल, मतलब एक लैन केबल के थ्रू कनेक्ट होती हैं और जो कनेक्शन होते हैं उनके उस अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजीज बोलते हैं. यहाँ लिखा भी है द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरियल मतलब जो फिजिकल डिवाइसेस होती हैं इन नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी. कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज आर मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री, जिसमें बस हमने पढ़ ली थी. इसके बाद बस के बाद हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस, वन ईच ऑन आइदर साइड, मतलब कि एक नेटवर्क डिवाइस बीच में एक पीसी है फॉर एग्जांपल, ये अपने राइट साइड वाले पीसी से भी कनेक्ट है और लेफ्ट साइड वाले पीसी से भी कनेक्ट है. दिस नोड कनेक्टेड विद ईच अदर दस फ्रॉम ए रिंग, द लिंक इन ए रिंग टोपोलॉजी इज अनडायरेक्शनल. Thus, the data can be transmitted in one direction only, clockwise or counterclockwise. तो यहाँ पर अगर ये वाले वायर डिस्कनेक्ट हो रहा है या डैमेज हो रहा है तो इन दोनों कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसमिशन इधर से हो जाएगा. उसके बाद बस हम पढ़ चुके हैं स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे इस फिगर को आप देख लीजिए, ये स्टार टोपोलॉजी है, ये नेटवर्क है. अगर यहाँ से ये डैमेज होती है तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा बट बाकी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट रहेंगे. और इसके बाद आती है आपकी मैश. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये पीसी है तो ये इससे भी कनेक्ट है, पीसी 2 से भी, पीसी 3 से, पीसी 4 से, पीसी 5 से और पीसी 6 से, सबसे कनेक्ट है. अगर यहाँ से डिसकनेक्ट हो रहा है तो इसके थ्रू ये आ जाएगा, अगर यहाँ से डिसकनेक्ट हो रहा है तो इस तक पहुँचने के लिए यहाँ से आ जाएगा या यहाँ से या यहाँ से. तो मैश टोपोलॉजी और जितना ये बेस्ट टोपोलॉजीज होती हैं उतना ही उनका हाई बजट होता है. ट्री एंड और हाइब्रिड टोपोलॉजी. ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है कि इन ये इट्स हायरार्किकल टोपोलॉजी. हायरार्की हमने पढ़ी है, मेमोरी हायरार्की डायग्राम जो होता है, इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेज एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक्स टोपोलॉजी लाइक स्टार, रिंग एंड बस. मतलब कि एक टोपोलॉजी है जो दूसरी टोपोलॉजी से कनेक्ट है, फिर ये तीसरी से कनेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये जो बीच में है ये बस टोपोलॉजी है और बस टोपोलॉजी से कनेक्ट है यहाँ पे ये स्टार है, ये स्टार है,
ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। ये सारी ये स्टार्स, चार स्टार टोपोलॉजीज जब एक बस टोपोलॉजी से कनेक्ट हैं। हाइब्रिड भी इसलिए बोलते हैं कि इसमें और कोई भी तरीके से आप बना लें इन चारों को छोड़कर, कि वो रिंग ना हो, वो स्मैश ना हो, वो बस ना हो, और वो जो आपकी लास्ट वाली है रिंग टोपोलॉजी ना हो, इन चारों में से कोई भी ना हो, तो वो कौन सी होगी? वो फिफ्थ वन होगी ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके बाद आता है द इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर। द इंटरनेट इज़ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेज। हैंड हेल्ड डिवाइसेज में अब टैबलेट आ गए, फैबलेट आ गए, एज वेल एज पेरिफेरियल डिवाइसेज सच एज प्रिंटर, स्कैनर, ETC। इन एडिशन इट, वैसे इंटरनेट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछें तो क्या होगी कि आप कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क। और ये किसके अंदर आता है? वैन के अंदर आता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है इंटरनेट। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट्स क्या क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल या जीमेल भी बोल सकते हैं आप, जीमेल भी एक, क्योंकि मोस्टली जीमेल के थ्रू ही हम ईमेल करते हैं, गूगल मेल के थ्रू। चैट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VOIP। अब इनके बारे में, द वर्ल्ड वाइड वेब, या आप अपनी बुक में इसे बेसिक है इसे पढ़ लीजिएगा। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसकी फुल फॉर्म, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं कि जो याद करनी है, इनकी फुल फॉर्म्स आपके पेपर में आ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, मतलब ईमेल की फुल फॉर्म है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल। और उसके बाद चैट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कॉल्स हम करते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। और वेब पेजेस क्या होते हैं कि वेब पेज हम कौन सी लैंग्वेज में बनाते हैं? HTML में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेब पेजेस का, और उन वेब पेजेस को जब आपस में लिंक कर देते हैं और वो सेम थीम को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो एक वेबसाइट होती है। पर्पज़ ऑफ वेबसाइट क्या है कि वहाँ पे हम एक डेटा रख सकते हैं। वी आर लिविंग इन एन इंटरनेट एरा वेयर द होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड। ए वेबसाइट्स पर्पज़ इज़ टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए कंपनी माइट लाइक टू एडवर्टाइज और सेल इट्स प्रोडक्ट्स, तो वो एक वेबसाइट पर रख देगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट है। इसके बाद आते हैं वेब पेजेस। वेब पेजेस ऑल्सो रिफर टू एज ए पेज इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑन द WWW वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज़ व्यूड इन ए वेब ब्राउज़र। अच्छा, वेब ब्राउज़र के बारे में भी आपने सैम्पल पेपर अगर देखा है तो क्वेश्चन आया है कि किसी भी दो वेब ब्राउज़र्स के नेम बताइए, तो उसमें आप कोई भी वेब ब्राउज़र्स के नेम बता सकते हैं, जैसे कि मोज़िला है, फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपरा है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS, कैस्केडिंग या कैस्केडेड स्टाइल शीट। ये वेब पेज इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ ए वेबसाइट एंड मे कंटेन इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज टेक्स्ट, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अदर इंटरेक्टिव कंटेंट, जो भी वेबसाइट पर पड़ा होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। वेबसाइट के पेजेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। ए वेब पेज कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। एक स्टैटिक वेब पेज इज वन हुज कंटेंट ऑलवेज रिमेन स्टैटिक, दैट इज डज नॉट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। वैन ए वेब, मतलब कोई भी उसे खोल रहा है तो सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है। APJ अब्दुल कलाम के बारे में अगर आप विकिपीडिया पे कोई भी खोले तो सारे फ़ोन्स में सेम ही डिटेल्स आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। तो ये जो होता है, ये जो पेज है, ये एक स्टैटिक वेब पेज है। इट जस्ट लोकेट द वेब पेज ऑन इट्स स्टोरेज मीडिया एंड सेंड इट टू द ब्राउज़र ऑफ द क्लाइंट। नो एडिशनल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द पेज, हैंस स्टैटिक वेब पेज इज रिमेन द सेम फॉर ऑल यूजर्स अंटिल समवन चेंज इट्स कोड मैनुअली। स्टैटिक वेब पेज आर जनरली रिटन इन HTML, JavaScript एंड CSS एंड हैव द एक्सटेंशन .htm और HTML। ऑन द अदर हैंड, ए डायनेमिक वेब पेज इज़ वन जिसपे कंटेंट सबके लिए अलग अलग हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेसबुक का पेज है, आपने अपना फेसबुक का पेज खोला, होम पेज मैंने खोला, तो हमारी IDs या हमने जो पेजेस फॉलो कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ न्यूज़ फीड्स आएंगी। ऑन द अदर हैंड, ए डायनेमिक वेब पेज इज़ वन
इन विच द कंटेंट ऑफ द वेब पेज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स. द डिफरेंस इज कंटेंट मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट चॉइसेस मेड बाय द यूजर. व्हेन ए रिक्वेस्ट और ए डायनेमिक वेब पेज इज मेड टू द वेब सर्वर, इट डज नॉट सिंपली रिट्रीव द पेज. डायरेक्ट वहाँ से पेज उठ के नहीं आ जाता है. बिफोर सेंडिंग द रिक्वेस्ट वेब पेज द सर्वर में परफॉर्म सम एडिशनल प्रोसेसिंग. मतलब वहाँ पे कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, लाइक गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा बेस, अपडेटिंग डेटा डेट एंड टाइम, अपडेटिंग वेदर इन्फॉर्मेशन ETC. ये सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, उसके बाद आपकी न्यूज़ फीड में कंटेंट आता है. डायनेमिक वेब पेज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस एज ए जावास्क्रिप्ट, PHP और ASP.NET, ये सारी, और पाइथन, जावा, रूबी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. बट HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो HTML में बनते हैं. दीज आर कॉम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्ट एंड डिज़ाइन एज द कोड टू परफॉर्म द एडिशनल ऑपरेशन हैज़ टू बी एडेड. HTTP रिक्वेस्ट जाती है, HTTP रिक्वेस्ट आती है. HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. उसके बाद वेब सर्वर. वेब सर्वर या कोई भी सर्वर की जब हम बात करें तो सर्वर क्या है? सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है नॉर्मली, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है. जो उस कंपनी का सर्वर है वो भी एक कंप्यूटर है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, और वो 24x ऑन है, जिससे 24x7 ऑन रहता है, जिसकी हेल्प से आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. द एरर मैसेज, ये 404 एरर मैसेज काय का है? नॉट फाउंड. जब कोई सर्वर पे कोई पेज नहीं मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो एक एरर आती है, एरर 404 नॉट फाउंड. इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है. होस्टिंग ऑफ ए वेबसाइट, ये हम बात को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किसी वेबसाइट को होस्टिंग हम कैसे करते हैं और होस्टिंग का क्या मतलब होता है. आज के लिए इतना ही इनफ है, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इन टॉपिक्स को, हेडिंग्स को कर लीजिएगा, और जो मतलब उससे आप लोग अपनी लैंग्वेज में उसे लिख लीजिएगा. ठीक है जी, ओके, थैंक यू.